खरगोन जिले की पवित्र व पर्यटक नगरी महेश्वर में नर्मदा तट पर 28वें 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ प्रदेश की संस्कृति व पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सहित कलेक्टर व एसपी मौजूद रहे। निमाड़ उत्सव के शुभारंभ के पहले मंत्री ठाकुर ने माँ नर्मदा की महाआरती कर उत्सव का शुभारंभ किया। उत्सव में गायक पद्मश्री मालिनी अवस्थी सहित अन्य कलाकारों को माँ अहिल्या अवार्ड से सम्मानित किया गया। विख्यात हुआ माता दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण भी पड़ा। माता ने शताक्ष स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से भी विख्यात हुई। कृषक परिवार में जन्म हुआ। तिलक राम जी बुनाई के साथ लकड़ी के विभिन्न वहीं मंत्री सुश्री ठाकुर ने मंच से नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मां नर्मदा की निर्मल धारा को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखे ताकि मां कल कल बहती रहे। आज अनुकूलता हुई है, निमाड़ उत्सव अपनी पूरी गौरव और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार से ये जा रहे हैं सभी, जो राष्ट्रीय पुरस्कार सुनिश्चित है विभाग की ओर से वो सभी आज प्रदान। दीदी, कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा, बाहर के जो थे उनको नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या सोच रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यही है कि निमाड़ उत्सव है तो पहले स्थानीयता को महत्व मिले, और नहीं तो कई बार होता है कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो दे देते हैं पर हमारा स्थानीय कलाकार हमेशा उपेक्षित और वंचित रह जाता है, इसलिए इसको निमाड़ पे ज़्यादा केंद्रित किया हुआ है। बाकी ऐसे कई कार्यक्रम हैं, कई योजनाएँ हैं, कई पुरस्कार हैं जो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देते हैं। उसके बाद मंच पर दुर्गा नृत्य नाटिका गणगौर कथक शैली पर नतर्क संजय महाजन आकर्षक नृत्य प्रस्तुति सहित गायिका मालिनी अवस्थी ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। संस्कृति विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया, और वो भी देवी अहिल्याबाई की धरती निमाड़ की महेश्वर में माँ नर्मदा के तट पर आज मुझे ये सम्मान दिया गया मंत्री संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सम्मान तो मिलना कलाकार का भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, गुरु कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है, लेकिन जिन महान विभूति के नाम पर यह सम्मान है देवी अहिल्याबाई, उनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी, वो ऐसी एक व्यक्तित्व थी जो महारानी थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान समाज और संस्कृति और देश के लिए था। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिले और संस्कृति का मैं संरक्षण करती रहूं, यही बस माँ नर्मदा से मैं मांगती हूं। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण निमाड़ उत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव में पहली बार 3 नवीन खेल विधाओं को शामिल किया गया। इन नवीन खेल विधाओं में मलखम्ब, कयाकिंग और मार्शल आर्ट के डेमो को शामिल किया गया। वहीं केवट समाज द्वारा आकर्षक नौका सज्जा की गई। निमाड़ उत्सव में देवी अहिल्या नर्मदा तट पर नौका सज्जा भी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सुश्री उषा ठाकुर ने निमाड़ उत्सव को लेकर कहा कि निमाड़ उत्सव पूरे गौरव के साथ मनाया जा रहा है, और निमाड़ उत्सव में स्थानीय कलाकारों को महत्व मिले क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं और स्थानीय कलाकार वंचित रह जाता है, इसलिए स्थानीय कलाकार को स्थान मिले। वहीं पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा कि मुझे माँ अहिल्या देवी की धरती पर मुझे राष्ट्रीय अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया, ये मेरे लिए गौरव की बात है और मैं संस्कृति विभाग का आभार मानती हूँ। कृषक परिवार में जन्म हुआ। तिलक राम जी बुनाई के साथ लकड़ी के विभिन्न Oh.
खरगोन से अबरार शेख की रिपोर्ट।